तो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है भारत बनाम साउथ अफ्रीका दूसरा टी20 मुकाबला, जहां पर भारत सामने होगा साउथ अफ्रीका के टी20 मुकाबले में, और ये मुकाबला खेले जाना है गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी की अगर मैदान की मैं कुछ बात करूं तो भारत का कुछ कैसा रहा है प्रदर्शन गुवाहाटी के इस मैदान पर टी20 आईज में, तो यहां पर भारत ने दो मुकाबले खेले और दो मुकाबलों में से एक मुकाबला रहा था वॉशआउट बेनतीजा, और दूसरे मुकाबले की बात करूं तो मैं वो खेला गया था भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2017 में। जी हां, 2017 का वो मुकाबला अगर आप याद करेंगे तो फिर वो ऐसा कुछ खास रहा नहीं था भारतीय टीम के, जहां पर भारतीय टीम ने बुरी तरह कोलैप्स किया था एक टी20 मुकाबले में, जहां पर भारतीय टीम 118 रन के निजी स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से 122 रन बनाए थे और ये मुकाबले में जीत हासिल करी थी, जहां पर जेसन बैरनड्रॉफ एक लेफ्ट आर्म सीमर ऑस्ट्रेलिया के, उनका शानदार प्रदर्शन रहा था और चार विकेट उन्होंने अपने नाम करी थी। और अगर मैं अब के मुकाबले की बात करूं तो अब के मुकाबले में थोड़े से स्लाइट हाई चांसेस है रेन के, 70% जो यहां पर ग्राउंड रिपोर्ट आई है कि यहां पर बारिश की संभावना है। अब देखना होगा कि कैसा कुछ रहेगा यहां पे ड्यू फैक्टर, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ की यहां पर एक बयान आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने कल प्रैक्टिस की थी इस मैदान पर तो काफी ज्यादा धूप थी, और आज जब सुबह भी उन्होंने प्रैक्टिस करी तो काफी ज्यादा धूप थी और अब जो खिलाड़ी थे हमारे पसीने से बह गए थे, लेकिन शाम होते होते यह आशंका जताई जा रही है कि वहां पर बारिश के चांसेस बढ़ जाएंगे और ह्यूमिडिटी कारण बारिश होने की संभावना जो है 70% है। तो अब देखना होगा कि अगर यहां पर यह गेम बारिश से इफेक्ट होता है तो कितनी ओवर्स की कटौती होगी, मैच होगा नहीं होगा। अगर कटौती होती है तो हमें याद आता है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वो नागपुर मुकाबला, जहां पर 8 ओवर का मैच खेला गया था और 8 ओवर में बहुत हिटिंग हुई थी, कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करी थी, 8 ओवर्स का मुकाबला था, 90 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे। और अब देखना होगा कि अगर ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहां पे दूसरे टी20 मुकाबले में बनती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो क्या कुछ चैलेंजेस यहां पर फेस करने होंगे भारतीय टीम को, क्योंकि अभी भारतीय टीम की बॉलिंग शानदार चल रही है, पहले मैच में शानदार बॉलिंग करी थी, लेकिन क्या आप एक मैच की बॉलिंग के नजर से देखेंगे इस मुकाबले को भी और उस बॉलिंग को, या आप सेम बॉलिंग को लेकर जाएंगे, आप हर्षल पटेल को लेकर जाएंगे जिनका पिछला मुकाबला खास गया था लेकिन उससे पहले इनकी कुछ खास रिदम देखने को नहीं मिला, थोड़े प्रेडिक्टेबल हो गए थे बॉलर, लेकिन आपके पास ज्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है, आपको अब आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप भी खेलना है और आपके पास बॉलिंग में ज्यादा ऑप्शन है नहीं, आपके पास जसप्रीत बुमराह एक ऐसा नाम जो वर्ल्ड कप से बाहर होने की इनकी आशंकाएं जताई जा रही है, लेकिन राहुल द्रविड़ एंड कंपनी और सौरभ गांगुली का बयान आया है कि जहां पर वो कंटेंशन में अभी भी रख रहे हैं, वो वेट करेंगे जसप्रीत बुमराह का, तो आप कितने एक्सपेरिमेंट्स और करेंगे अपनी बॉलिंग लाइनअप के साथ देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि गुवाहाटी के मैदान से 70% अभी भी बारिश की संभावना है, और अब देखना होगा कि अगर 70% कितनी बढ़ेंगी, हम सब चाहेंगे एक फुल फ्लेज्ड गेम हो, 70% को ये जीरो हो जाए और पूरा का पूरा हमें क्रिकेटिंग 40 ओवर का क्रिकेट हमें देखने को मिले। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।